कई विधायक बने, कई एमएलए बने, कई आमदार बने, मगर हमारे चहेते हमारे सम्माननीय नरेंद्र मेहता जी ने अपने कार्यकाल में 5 साल के और 2.5 साल के महापौर कार्यकाल में जितने विकास का हमारे बीच में पधारी है उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि गुलाब जी सपेरा हमारे सामने पूरी पार्टी के साथ में मौजूद हैं। उनकी लाडली राखी जी सपेरा, जिन्होंने कई फिल्मों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जी हाँ, राजू राठौर जैसी फिल्म में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज के इस आयोजन में महिलाओं की जो टीम है, इधर कोई भी नहीं आ रहा है। प्रस्तुति करती थी तो इनको समाज से, इनके परिवार को बाहर निकाल दिया। देवी उपासक थे इनके पिताजी, उनकी पिताजी की और माताजी के प्रयास से, उनके संस्कारों से गुलाबो जी फिर वापस मंच पर आई और इतने तेज गति से आई, देश के 100 विश्व के 165 175 देशों में आपकी प्रस्तुति हो चुकी है। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, मोदी जी प्रधानमंत्री थे उस कार्यकाल में, आपको राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये जो लाल बैलिया नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य, इसे यूनेस्को जो संस्था है उसमें दर्ज करवाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, आपका बहुत बड़ा श्रेय है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेंद्र मेहता जी और सुमन जी मेहता जी से, वे पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी को स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर। नरेंद्र जी और सुमन जी, आज की केंद्र बिंदु मंच की सबसे बड़ी हीरो हीरोइन गुलाबो सपेरा जी का स्वागत करेगी, सम्मान करेगी। जन्म से, बचपन से जिन परिस्थितियों में गुलाबो जी आगे बढ़ी है, वास्तव में उसकी जितनी सराहना की जाए बहुत विश्व तालियां बजाइए। और याद रखिए आज का दिन, गुलाबो जी सपेरा हमारे मीरा भाईंदर में थी, एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार, एक विश्व विख्यात कलाकार गुलाबो सपेरा, जिनकी 4 बेटियां भी और उनकी नाती, उनकी पोती, वे भी सभी नृत्य कला में पारंगत है, माहिर है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि उद्योगपति समाज सेवक, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया, आदरणीय मुकेश जी और उनकी जीवन संगिनी प्रियंका जी से, वे सन्नी अग्रवाल जी का।
अच्छा, मैं नरेंद्र मेहता जी और सुमन जी से निवेदन करूंगा, वे सन्नी अग्रवाल इसमें स्मृति चिन्ह इन्हें देकर सम्मान किया जा रहा है। मुकेश जी अग्रवाल और उनके धर्म पत्नी उनका स्वागत कर रहे हैं श्रीमती। एक बार तालियों के साथ सभी उनके सम्मान में सहयोग करेंगे। हमारे बीच में ऐसा लग नहीं रहा है कि आप प्रवचन सुनने आए, थोड़ा तालियां तो बजाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती डिंपल जी बहता का स्वागत करेंगे सानू जी को। अशोक जी गहलोत आगे पधारे, अशोक गहलोत जी की आवाज सुन ले, थोड़े से आगे पधारे। चलिए मैं भी आ गया, क्या बात है। विमल जी थोड़ा घूमकर तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए। अब आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक और सप्तेश्वर सालासर हनुमान मंदिर के संस्थापक और अध्यक्ष भी हमारे लोकप्रिय जन नेता आदरणीय नरेंद्र लाल चंद जी मेहता का यहाँ पर स्वागत। उनका सत्कार सब वही के देखने लायक जाती है। हाँ हाँ हाँ, सभी लड़ी गई, कौन खड़ा हुआ इधर? बंद करो, साइड का प्रॉब्लम हो गया। बहुत बहुत सगले ने पार्टी में गया ना, कसला सगले वायर है ना, सुंदर है ना, बारी कार्डी है ना, थोड़ा पीछे खड़ा। नंदू जी कोदार, कार्य अध्यक्ष विमल जी अग्रवाल, सचिव मनोज कुमार कोलंबिया, एडवोकेट तरुण सुभाष जी शर्मा, नितिन पांडे जी, पूर्व नगर सेवक भगवती जी शर्मा, चंदा सरावी जी, ज्योति हर्षवाल, उषा नरेंद्र मेहता जी का सम्मान स्वागत अभिवादन सत्कार बहुमान का कार्यक्रम, इतना सुंदर विशाल विराट कार्यक्रम। मेहता जी दो शब्द बोलेंगे, नंदू जी आइए, आपको बुला रहे हैं। आइए नंदू जी, आप भी बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए मगर जरूर बोलिए नंदू जी, उसके बाद दीपिका सिंह जी और उसके बाद नरेंद्र मेहता जी। मैं सभी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपनी पूरे मारवाड़ी समाज की तरफ से आज इस कार्यक्रम के प्रायोजक मैं निवेदन करूंगा और संस्था के ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी मेहता का, हम लोग सभी राजस्थानी मारवाड़ी मुझे माइक भी मतलब स्पेशल से स्पेशल मिल रहा है। तो ये आप सबका प्यार ही है कि आज मैं आप सबके बीच खड़ी हूँ, स्टेज पर खड़ी हूँ। कभी मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं जो मेरे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो पर सपने अगर देखो तो जरूर पूरे होते हैं, अगर उनके लिए मेहनत करो, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं भी एक्चुअली बहुत इंस्पायर हूँ गुलाबो मैम की स्टोरी से,
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए शायद आप सबके भी। तो इनके सामने तो कुछ बोलने लायक बस स्पीचलेस हूँ, मेरे तो शब्द ही हो गए हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गंगोर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती आपका आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आपके सारे सपने पूरे हों और आप बहुत बहुत खुश रहें। और मेहता सर को भी थैंक यू सो मच। पिछले साल का इवेंट इतना अच्छा हुआ कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी तो मेरी फैमिली को इतना अच्छा लगा, अरे इतना अच्छा फंक्शन यहाँ मीरा रोड बाइनर में हो रहा है तो इस बार हम भी जाएंगे। तो मेरी फैमिली भी आई है इसीलिए। सो थैंक यू टू मेहता सर की और सुमन मैम का, निम्बल मैम का, ये इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम सबके लिए कि मतलब बहुत मजा आता है। इससे पहले मैंने ऐसा प्रोग्राम एक्चुअली कभी नहीं देखा, स्पेशली गंगोर पर। तो गंगोर हम सबके लिए बहुत स्पेशल होता है त्यौहार और ये और ज्यादा स्पेशल बन जाता है बिकॉज इस प्रोग्राम की वजह से। और माफी भी चाहती हूँ कि आज थोड़ा लेट हो गई। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि सपने जरूर पूरे होते हैं। मैं भी पहाड़गंज से हूँ, दिल्ली में एक बहुत पुरानी दिल्ली में एक बहुत छोटा सा घर है और उसमें मेरी बहुत बड़ी फैमिली थी और मेरे घर फैमिली से भी कोई लड़की कभी इंडस्ट्री में नहीं आई। तो या तो लड़कियां टीचर्स बनती थी या मतलब कंजर्वेटिव तो नहीं थी मेरी फैमिली, हमें एजुकेशन दी। और आई एम सो हैप्पी कि मेरे पापा ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया उस टाइम पर उनको भी कहा जाता था कि मतलब बेटियों को इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है जब गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जा सकता है। और मेरे पापा ने जो है हमें इतना इनिशिएटिव लिया कि हमें पढ़ाया लिखाया और सुबह 5 बजे अपने स्कूटर में बिठा के इतनी दूर का स्कूल था एयरपोर्ट स्कूल लेकर जाते थे। तो आज मैं जो भी हूँ उनकी उन्होंने जो उस टाइम पे इतनी मेहनत की मेरे ऊपर कि मुझे स्कूल इतना अच्छा दिलवाया और खुद से बैठकर ट्यूशन नहीं खुद से वो मुझे पढ़ाते थे कि उस टाइम पे और मैंने भी पढ़ाई को सीरियसली लिया। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ये मत सोचें कि आप लड़की हैं तो आपको चूल्हा चाकू करना है, तो वो तो करना ही है। तो मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि क्या करना, पढ़ लिखे बनानी तो रोटियां ही हैं, ये पेट डायलॉग होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारी लड़कियों को होता है बट अभी काफी चेंज हो रहा है। तो रोटी तो बनानी है, सबको बनानी है और वो बनानी भी बहुत जरूरी है। अपना पेट भरना भी जरूरी है, दूसरों का भी पेट भरना जरूरी है, मगर पढ़ाई को भी बहुत तवज्जो दे बिकॉज ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और ये जो हम कहते हैं ना, मेहनत कभी भी करी हुई ना, सच्ची नीयत से की हुई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो आप जो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली आपको एक ब्रॉड माइंड देता है। ये तो है कि सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट कोई नहीं देखता आजकल, मगर एक आपको जो समझ मिलती है लोगों को पहचानने की और जिंदगी में आगे बढ़ने का जो हौसला मिलता है, वो जिस स्ट्रेस से हम एग्जाम्स के दौरान गुजरते हैं ना, वो लाइफ के स्ट्रेस के लिए हमें एक्चुअली तैयार करता है। तो स्कूल जरूर जाएं, पढ़ाई जरूर करें, एजुकेशन को महत्व दें और अपने सपने देखें। बहुत सारी लड़कियां सपने देखती ही नहीं है, डरती हैं, तो ऐसा मत करें, सपने जरूर पूरे होते हैं और आप कहीं पर भी हैं आप बहुत आगे तक जा सकती हैं। जोरदार तालियों के साथ इनके शब्दों को सम्मान दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम सो ग्लैड दैट कि मैं आप सबके बीच आज यहाँ आई हूं। थैंक यू। आज मैं इनका बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके लिए खाली 2 लाइन मैं कहना चाहता हूं कि जो राम को लाए हैं हम है? उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवान फहराएंगे, भारत में फिर से हम कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद।
धन्यवाद दियाला जी, और इसी के साथ आदरणीय समझदार आता है वो मैं ही हूँ, तो जिसने जिसने खरीदा है वो मुझे दुआ दे, और जो खरीदने से चूक गए थे वो मुझे बद्दुआ ना दे, आज ही खरीद ले क्योंकि 20% और बढ़ने वाले हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। क्योंकि अगले साल जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तब आपके घरों में 24 घंटे पानी हो चुका होगा, ये विश्वास दिलाता है। और उसके अगले साल जब कार्यक्रम करेंगे तो दीपिका जी समय पे यहाँ पे पहुंचेगी क्योंकि मेट्रो शुरू हो चुकी होगी। चलिए सत्येश्वर हनुमान मंदिर की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अगर ज्योति हर्षपाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए मंदिर के सभी हमारी नव निर्वाचित कमेटी है। मैं सभी हमारे महिला कार्यकर्ताओं का भी नाम लेना चाहूंगा जो यहाँ सेवा दे रहे हैं। शानू जी गोहिया, ममता जोशी जी, अनीता चितानिया जी, और हमारे जो युवा और जेंट्स कार्यकर्ता काम कर रहे हैं आचार्य सुभाष शर्मा जी, जोरावर जी गोयल, मधुसूदन जी पुरोहित, प्रीत जी शाह, अशोक अग्रवाल जी, किशन जी शर्मा, अरविंद परासर जी, रतिन दत्ता जी, प्रतीक शर्मा जी, सोहरा ठाकुर जी, रणवीर जी वाजपेयी, योगेश सिंह जी, मनोज जी मोदी, रविकांत उपाध्याय, सोहम सुखसाथ, दीक्षा पाटिल शर्मा जी, रोम जाला जी,